नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल SSC.2 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से दोस्तों भारत के तीन प्रमुख हस्तियों के नाम याद हो जाएंगे। दोस्तों तीनों तीनों एक जैसे नाम है दोस्तों। और अभी करंट का क्वेश्चन आपको दोस्तों आपको बहुत दिक्कत करता होगा, आप कन्फ्यूज़ होते होंगे। तीनों नाम एक जैसे नाम है दोस्तों, और तीनों नाम से मैं आपका कन्फ्यूज दूर कर दूंगा। नाम क्या दोस्तों? मुर्मू। नाम मुर्मू से आपकी भारत की तीन प्रमुख हस्तियाँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं वो आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलिए, देखिए मुर्मू पर तीन भारतीय हस्तियाँ। देखिए दोस्तों मुर्मू पर तीन भारतीय हस्तियाँ दोस्तों कौन कौन है दोस्तों? देखिए दोस्तों ये जो मुर्मू नाम है ना, मुर्मू नाम दोस्तों, इस पर भारत के तीन हस्तियाँ दोस्तों जो बड़े पदों पर हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? मैं आपको पहले नाम दिखा देता हूँ, फिर उनके बारे में आपको याद करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये आपके हैं, देखिए जीसी मुर्मू दोस्तों पहला, दूसरा है डी मुर्मू, तीसरा है सी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, सी मुर्मू, डी मुर्मू, जीसी मुर्मू याद रहेगा आसानी से। क्यों सी? सी मुर्मू, डी मुर्मू, सी एम, डी एम सी एम चीफ मिनिस्टर होता है, डीएम कौन होता है दोस्तों? डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता है ये। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जीसी मुर्मू आपको आसानी से याद रहेगा दोस्तों। अभी मैं आपको याद बता देता हूँ कौन कहाँ कौन से पद पर है दोस्तों। देखो देखिए दोस्तों, ये आपका जी सी मुर्मू है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है, जी का मतलब होता है गिरीश, गिरीश। सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सी का मतलब होता है दोस्तों चंद्र, गिरीश चंद्र मुर्मू आपका लिखा हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों कौन है ये दोस्तों? ठीक है, इसका नाम क्यों लिया हमने? इसका नाम दोस्तों अपना जो कश्मीर नहीं है दोस्तों, कश्मीर क्या दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ के गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, जीसी मुर्मू वहाँ के गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, और आपका दोस्तों ये डी मुर्मू क्या है दोस्तों? डी मुर्मू के बारे में दोस्तों बात करेंगे हम। डी मुर्मू आपका डी से मतलब होता है द्रौपदी। द्रौपदी नाम सुना ना इतिहास में? वो नहीं है दोस्तों, ये दूसरा है, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये द्रौपदी मुर्मू आपका कहाँ का? झारखंड है ना दोस्तों, झारखंड, जो कि कब? 15 नवंबर 2009 को आपका बिहार से अलग हुआ था दोस्तों। झारखंड आपका कब हुआ था बिहार से अलग? ये हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को दोस्तों, आपका बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था दोस्तों। कौन सा? झारखंड, झारखंड दोस्तों, जिसके वर्तमान में सीएम कौन है दोस्तों? वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, हेमंत भाई साहब यहाँ के क्या है? सोरेन शोर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ हेमंत साहब सोरेन झारखंड में शोर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ के सीएम है दोस्तों। यहाँ के गवर्नर कौन है आपके? यहाँ के गवर्नर आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, ये गवर्नर दोनों, ये सुर वाले दोनों मुर्मू है ना, ये आपके गवर्नर, सी वाला मुर्मू आपका गवर्नर नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आपका याद हुआ ना, दो याद हो गए आपके। ये कहाँ का? कश्मीर का अपना। ये कहाँ का? अपना झारखंड का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, ये बिहार से अलग होकर बना था कब? 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ की अभी सीएम बता दिए मैंने, हेमंत सोरेन साहब, और यहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं हम किस पे? चंद, ये सी पे। सी का मतलब दोस्तों आपका चंद्राणी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, चंद्राणी मुर्मू दोस्तों, ये आपके कश्मीर हो गया, ये कश्मीर से हैं, ये आपके झारखंड, जीएच झारखंड से हो गए। ये आपके कहाँ से आएंगे दोस्तों? ये आपके झारखंड के बगल में दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं दोस्तों। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों बीजू जनता दल का पार्टी है दोस्तों, उसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक है दोस्तों, नवीन पटनायक हैं दोस्तों। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, गणेश जी महाराज यहाँ के सीएम है दोस्तों। ठीक है, गणेशी लाल याद रखना, गणेश जी, किसके गणेश जी? नवीन के गणेश जी। ठीक है, नवीन तो यहाँ के सीएम है, नवीन के गणेश जी मतलब गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, और नवीन भाई साहब के हैं यहाँ के सीएम है दोस्तों। और ये जो चंद्राणी मुर्मू है दोस्तों, ये आपके लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? इनकी उम्र है 25 वर्ष कुछ महीना दोस्तों। और ये सबसे वर्तमान में सबसे युवा सांसद है दोस्तों, वर्तमान में 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद बनने वाली पहली इस सांसद में दोस्तों। और ये दोनों दोस्तों, ये जो सी मुर्मू और डी मुर्मू दोनों महिलाएं हैं दोस्तों, आपकी सी मुर्मू और डी मुर्मू दोनों महिलाएं हैं, और ये हैं जेंट्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लद्दाख वाले जेंट्स में, और झारखंड और उड़ीसा दोनों बगल बगल में हैं, तो याद रखना दोनों ये लेडीज़ हैं। ये यहाँ की गवर्नर हैं,
और ये जो श्री मुर्मू चंद्र मुर्मू ये सबसे युवा सांसद दोस्तों, इनकी उम्र 25 साल कुछ महीना दोस्तों, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 उम्र होनी चाहिए। 25 वर्ष होते ही कुछ दिनों बाद ही ये सांसद बन गई दोस्तों। ये कौन सी पार्टी से दोस्तों? बीजेडी। बीजेडी का मतलब होता है बीजू जनता दल पार्टी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो नवीन पटनायक सीएम है ना दोस्तों, ये 4 बार सीएम रह चुके हैं दोस्तों, मतलब कि इनका 20 साल का कार्यकाल पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इनका 5वां कार्यकाल चल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 5वां कार्यकाल चल रहा है दोस्तों। ये दोस्तों आपके जो नवीन पटनायक साहब है ना, नवीन पटनायक साहब आपने नाम सुना होगा, बिजू पटनायक दोस्तों, बिजू पटनायक नाम दोस्तों फेमस है दोस्तों। बिजू पटनायक यहाँ के उड़ीसा के सीएम थे और उन्हीं के बेटे ये नवीन पटनायक हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपके इन्हीं के बेटे हैं दोस्तों। और आपका बिजू पटनायक नाम से एयरपोर्ट भी है दोस्तों, कहाँ पे? उड़ीसा में भुवनेश्वर में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके इनका इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये सबसे युवा सांसद दोस्तों, देखिए ये चंद्रानी मुर्मू दोस्तों, देखिए चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद दोस्तों, मात्र 25 साल की है दोस्तों, सबसे युवा सांसद है दोस्तों चंद्रानी मुर्मू दोस्तों, उड़ीसा से है, बीजू जनता दल पार्टी से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर है दोस्तों। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा में आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ना दोस्तों, वो कहाँ पे? कटक में दोस्तों, उड़ीसा के कटक में। और उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा का हाईकोर्ट राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन उड़ीसा का हाईकोर्ट ना दोस्तों कटक में दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों द्रौपदी मुर्मू अपने मोदी साहब के साथ सामने बैठी हुई दोस्तों, देखो दोनों में बातचीत हो रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू, दोनों लेडीज है दोस्तों। ये कहाँ की? झारखंड की गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत भाई साहब शोर कर रहे हैं दोस्तों, कहाँ? झारखंड में। किसके सामने? द्रौपदी मुर्मू के सामने, ठीक है दोस्तों, याद होएगा आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये कौन है? ये है दोस्तों जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। ये शपथ ले रहे हैं दोस्तों, ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको सब शपथ दिला रहे हैं दोस्तों। आपको याद होगा जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये यहाँ के कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश हैं और आपके जीसी मुर्मू साहब को शपथ दिला रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।